कल हमने पढ़ा था करेक्ट फॉर्म नंबर, इसमें हमने रोल नंबर एक और रोल नंबर दो, रोल नंबर एक प्रेजेंट से पढ़ते हैं इसके पढ़ दिया था, जबकि रोल नंबर दो में मॉडल के साथ वर्ब की कस्टमर करना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे रोल नंबर तीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसकी स्ट्रक्चर आपका प्रणाम क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनडी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी अदर वर्ड। ये तो होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, इसी में नेगेटिव द नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में वही सबसे पहले शब्द है प्लस एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन डी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का उपयोग करते हैं वो तीसरे स्थान पर करते हैं, कहीं भी आएगा नॉट तीसरी पोजीशन में आएगा, थर्ड पोजीशन। अब इसमें कौन कौन सी एडवर्ब होनी चाहिए, देखो यदि वाक्य में नाउ नाउ बढ़े एट दिस मोमेंट शब्द दिए हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कंटिन्यूअस Thank you.
खालिस्तान ब्रैकेट में राइट ए स्टोरी दी थे। अब इनमें से एक एडवर्ब ऐसी आई है जो स्टेंस में है और वो एडवर्ब है दीज़ लगे इनमें से, तो हम देखेंगे इसमें दी के साथ क्या आता है एक और राइट में आईएनजी लगाना है। यह हो गया, समझ रहे हैं एक बार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडवर्ब का यूज करना है और इसके बाद वर्ब में इनमें से कोई भी वर्ड हुआ तो वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, क्योंकि ये ध्यान रखना कि चाहे हम फर्स्ट वर्ब वर्ब है सेकंड वर्ब है थर्ड वर्ब है लेकिन ब्रैकेट में तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसी का विशेष ध्यान कर रहे हैं। स्टोरी दी थी तो इसमें राइट में से ई को हटा दिया और आई एम डी जो तो ये जो राइट है। जस्ट अब
be already practicing. Dear authority is standing and helps us for the third form of the तो इसमें देखो ई पाकिस्तान देखो यहां हमने दिखा कि फिर दुनिया बनाए और फिर लिख दिया ऑलरेडी अब ये एक सकर्म हमारे एडवर्ब की आ चुकी है जब एडवर्ब यहां ऑलरेडी आ चुका है तो इट मीन ये कौन सा टेंस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समय के साथ साथ यहाँ तो आ जाएगी एक्टिव वर्ब और यहाँ एक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो उसी के साथ क्या आता है एच और डू की थर्ड फॉर्म यू डिड डन ये फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी मैं लिखा दूंगा बाद में हैड डन हर वर्ब सी है ऑलरेडी डन हर वर्ब उसने पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका इसमें देखो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव तो क्यों रहेंगे हैज हैव साथ में सिर्फ बीइंग हो जाएगा हैज हैव के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनडी उसमें हमारे पास हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी यह हैज हैव के साथ बी प्लस के फर्स्ट फॉर्म में आईएनडी हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फेस या और प्लस टाइम टाइम का मतलब है समय और समय हमेशा सिंस फोर के बाद आता है कई स्टूडेंट सिंस फोर का प्रयोग नहीं जानते हैं कि यहां से इसमें यूज ऑफ सिंस इसका जो यूज है इसे हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय निश्चित समय के लिए करते हैं अब निश्चित समय कौन कौन से होते हैं अब देखिए निश्चित समय में कौन कौन से आते हैं जैसे सिंस टू ओ क्लॉक सिंस मंडे सिंस जनवरी सिंस 2020 सिंस मॉर्निंग इवनिंग नाइट C
Then yesterday यदि
से पहले समय का मतलब टाइम से पहले से हो दिया हो और समय से पहले स्विच बोर्ड दिया हो और बात के समाप्त हो गया हो तो स्थान में है या है प्लस बी प्लस वर्किंग मच मोर प्लस आई एम डी लिखे समय से पहले सिंपल बनाना चाहिए समय को पहले तो सिंस और बोल का प्रयोग बताया ही था सिंस बोल के प्रयोग के बाद जो टाइम आता है वो समय कहता है अब समय तो कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल देखो समझो कि ये आदेश का राइट ए नॉवल फोर टू आर ही यहां जो हो रहा है ये तो सिर्फ बोल रहे हैं जो है और फोर के बाद दो घंटे हो गया समय तो ये समय हो गया समय से पहले से इसे फोर आ गया जब समय से पहले सिंस बोर आ गया और वर्क समाप्त हो गया इसमें ये कंडीशन बहुत बड़ी कंडीशन होगी कि समय से पहले ये तो आ गए लेकिन वर्क भी समाप्त हो जाना चाहिए तो ही ये प्रयोग संभव हो पाएगा अन्यथा एडजेक्टिव हो जाएगा जब वाक्य आगे चलता रहा तो इसलिए वर्क यही समाप्त होना चाहिए तो हम लिखेंगे इसमें Had, been और राइट का क्या हो जाएगा राइट बी प्ले ए मैच
simple tense. Past simple tense then. Yesterday. यदि पार्क में यस्टरडे है तो सम टाइम बैक वन लास्ट ईयर last year, last month, last week, last day, it is year ago, with this time, थोड़ा सा इस टेंस के बारे में जान लेते हैं। इस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट ये तो हो गए अफर्मेटिव। अब आते हैं हम नेगेटिव पर। नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यहां कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। अब क्योंकि यहां डिड आ गया तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे केस का प्रयोग करते हैं जबकि सभी में वैसे ये सटा देते हैं क्योंकि वहां आ जाता है डू या डज और डू डज के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और एक ये पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जबकि अन्य सभी सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है। इस चीज को मैं नोट कर लिखवा देता हूं नोट कर दे। इस टेंस के
sentence में S N S अन्य सभी sentence में gender plus verb की first form लिखते हैं। इस सेंस में अफर्मेटिव अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस। मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी सेंटेंस में गेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आप पहले ये सोच रहे होंगे कि नॉट तो बताया है कि नॉट तो ऑटोमेटिक आ जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार ये जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव में मैंने पहले बताया था कि नॉट का स्थान तीसरा होता है थर्ड पोजीशन पर आता है। वही अब इसका वो देख लो एग्जांपल जैसे हम स्टोरी लिखते हैं one air Alistan a king in India तो हम सिंपल सी भाषा मान के चार ऑप्शन दे दिया आपको। ए दे दिया इज बी दे दिया आर सी दे दिया वाज और डी दे दिया वर। अगर ये चार ऑप्शन दे दिए तो क्योंकि कोई भी स्टोरी बनेगी तो वो किसमें जाएंगे पास्ट टेंस। तो इसमें पास्ट टेंस में हमारे पास दो अंतिम फॉर्म है एक तो पास्ट टेंस की ये भी एक पास्ट टेंस की ये भी। लेकिन इसमें तो नाउन देखो नाउन क्या है एक और देर के साथ क्या आता है वाज और इसमें बन गया सेंटेंस। इसका दूसरा एग्जांपल ही give me a book yesterday yesterday आ गया तो yesterday का मतलब पंच बार से बात लगा ली या second बार इसमें ब्रैकेट में दी जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट की सेकंड फॉर्म बनाओ गिव की क्या हो जाएगी गिव। वैसे बात सुनाई अगर किसी स्टूडेंट को कहीं भी इस टॉपिक में या कल के टॉपिक में समस्या आ जाए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए।